रविवार को राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पार्क में इकट्ठा होकर एससी एसटी एक्ट को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि इस कानून के विरोध में पार्टी जनपद के सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना देंगे तथा इसे कानून बनाने से रोकने हेतु इस पर हस्ताक्षर न करने का निवेदन करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजेंगे। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप शुक्ला, रजनीकांत पांडे, रंजन उपाध्याय, अरुण प्रताप सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मंटू शंभु सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश मिश्रा ने कहा, अभी तो ये हमारा नारा है, हमारी मांगे पूरी चूर हो जाएगा, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रबंधक संघ राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ये टक्कर में हमारा नारा। मैं जय प्रकाश मिश्र, देखिए हमारी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, इसकी मांग है एससी एसटी एक्ट में एक बहुत गलत व्यवस्था थी। अगर कोई शिकायतकर्ता कहता है कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती किया, तो उसी की शिकायत के आधार पर बिना उसके शिकायत की सत्यता को जांचे जेल भेज दिया जाता था गिरफ्तार करके। जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कानून के इस धारा का बहुत ही दुरुपयोग होता है, तो उसने गहन समीक्षा के बाद इस प्रावधान को हटा दिया और संशोधन किया कि किसी की शिकायत के बाद उसके सत्यता की जांच होगी, अगर शिकायत जांच में सही पाया जाएगा तब जाकर के उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और जेल भेजा जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत सही निर्णय था। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्याय को पलट दिया और कानून बनाया पुनः कि नहीं, शिकायत के आधार पर बिना उसकी सत्यता जांचे ही अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी और जेल होगी। ये बहुत गलत कार्य हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा इसी के विरोध में, और इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के हमारी राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया आज एक दिवसीय धरने पर बैठी हुई है।